अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ बिल्कुल शादियों वाला मटन स्टू मेरे स्टाइल में। इट इज़ एन अमेजिंग मेन कोर्स रेसिपी और आप जब इसे बनाएंगे तो आपको ये इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि हर बार आप इसे मेरे तरीके से ही बनाएंगे। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई अपलोड अ वीडियो यू आर द फर्स्ट वन टू बी नोटिफाइड, एंड लाइक एंड शेयर इज अ मस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मटन स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 750 ग्राम मटन लिया है, मैंने बोन्स के साथ लिया, इसे अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसका करेंगे मैरिनेशन। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, जो कि है 150 ग्राम। साथ ही इसमें ऐड करना है 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून डालना है कुटा हुआ धनिया, 2 टीस्पून के करीब डालना है सौंफ जीरे का पाउडर। और अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे कवर करके मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 2 घंटे हो गए हैं, मैंने गैस पे कुकर को रख दिया है। इसमें ऐड करना है 3 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। जब तक तेल गर्म होता है मैं आपको कुछ खड़े मसाले दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1/2 टीस्पून लिया है काली मिर्च, 5 से 6 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो अब इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। और फौरन ही हमें इसमें डालना है प्याज। स्टू में प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ती है तो मैंने 4 बड़े साइज के प्याज को चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देना है। अब इसे हम करेंगे सॉटे। जब तक हमारी प्याज गोल्डन कलर की नहीं हो जाती, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस इतना इसका कलर आ जाना चाहिए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी हरी मिर्च, मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली है, इसे रफली चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें ऐड करना है 4 बड़े साइज के चॉप टमाटर, इसे भी हम सॉटे करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैरिनेटेड मटन। सारा मटन हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम प्याज टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसे लाइटली कवर करके हमें करना है प्रेशर कुक। 4 से 5 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। सारा प्रेशर निकल गया है, मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब हम अपने स्टू को हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है वो हमें जला लेना है और जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता हमें इसे भूनते रहना है। आप मटन स्टू को जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर इन्हांस होता है। ये देखिए मुझे भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कटा हुआ धनिया और धनिए को भी हम स्टू के साथ अच्छे से भून लेंगे। सो आर सुपर डिलिशियस माउथ वाटरिंग मटन स्टू इज रेडी। ये बिल्कुल शादियों वाला मटन स्टू बनता है। इट इज़ एन अमेजिंग रेसिपी फॉर योर पार्टीज। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई एम वेरी श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिलेंट्रो। सिलेंट्रो इज़ नथिंग बट जो आपका धनिया होता है उसकी जो स्टेम होती है उसे बारीक बारीक चॉप करके ऐड करना है, इससे ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है। इट इज़ एन अमेजिंग रेसिपी एज आई टोल्ड यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।